नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। बड़ी खबर आ रही राजस्थान से, वही राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। वहां पर एक पुजारी को जान से मार दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, पेट्रोल से छिड़क कर आग लगा दी जाती है। अब क्या राहुल गांधी वहां जाएंगे? अब बड़ी बात यही सामने निकल कर आई है कि अब टीआरपी वाले वहां जाएंगे, अब तक वाले वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचे हैं, ये देखना बड़ी बात है। लेकिन आज जो राजस्थान में हुआ है वो निंदनीय है। सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखा देता हूँ जिसको वसुंधरा राजे ने किया है। वो ट्वीट बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि कुछ ऐसे सबूत गैंग हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, फेक न्यूज है। तो वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, करौली जिले के सपोटरा में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार देने के मामले को जितनी निंदा की जाए, जितना दुख जताया जाए, कम है। सोचिए साहब, अब देखना यह है कि एक हाथरस में, जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पर तो राहुल गांधी ने खूब नंगा नाच किया, खूब गिरे और खूब न्याय की मांग की। अब देखना यह है राजस्थान में कितना गिरते हैं राहुल गांधी और किस तरह से न्याय की गुहार करते हैं, वो देखना बाकी है। घटना आज की है, इसलिए तुरंत तो राहुल गांधी नहीं पहुंच सकते, लेकिन अभी तक राहुल गांधी का कोई रिएक्शन नहीं आया है इस घटना पे। चलिए बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ, क्या है पूरा मामला पहले विस्तार से जान लेते हैं। पुजारी ने किया मंदिर की जमीन पर कब्जे का विरोध, आरोपियों ने पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। प्रदेश के करौली जिले में मंदिर की जमीन पर कब्जे के प्रयास को लेकर बुजुर्ग पुजारी को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। इस घटना में पुजारी की मौत हो गई। जिले में सपोटरा थाने इलाके के बूकना गांव में मंदिर की जमीन को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में पुजारी को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात में गंभीर रूप से झुलसे पुजारी ने राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने घटना की कड़ी निंदा की है। अन्य आरोपियों को धरपकड़ के लिए पुलिस की आधा दर्जन टीमें सर्च अभियान में जुटी हुई हैं। बात करें सपोटरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वारदात बुधवार सुबह हुई थी। आरोप है कि मंदिर की भूमि पर कब्जा करने के लिए कैलाश मीणा शंकर नमो राम लखन मीणा आदि छप्पर डाल रहे थे। इस दौरान बुजुर्ग पुजारी बाबूलाल ने उनको रोकने की कोशिश की, इस पर आरोपी ने उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इससे पुजारी बुरी तरह से झुलस जाते हैं। परिजनों ने पुजारी को पहले सपोटरा चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन स्थिति नाजुक होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर में उपचार के दौरान गुरुवार शाम को पुजारी की मौत हो गई। पुजारी ने मौत से पहले पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण करने से रोका तो उन्होंने उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। यह है अतिक्रमण के आरोपी, जिसको लेकर आज विवाद फैला हुआ है। मंदिर में अतिक्रमण को लेकर काफी समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। गांव वालों की इस मामले में पंचायत भी हुई थी, उसमें पंच पंटेलों ने मंदिर भूमि पर कब्जा करने वालों से अतिक्रमण न करने और कब्जा हटाने के लिए कहा था, लेकिन आरोपियों ने पंच पंटेलों की बात नहीं मानी। बुधवार को वो लोग इस भूमि पर छप्पर डालकर कब्जा पुख्ता कर रहे थे। जब पुजारी ने इसका विरोध किया तो अंजाम बुरा हुआ। पुजारी के पूरे शरीर पर पेट्रोल डाल दिया जाता है, उसके बाद आग लगा दी जाती है, जिससे झुलसे हुए पुजारी की मौत हो जाती है। एक
लोकल हॉस्पिटल में उनको भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन ज़्यादा बुरी होती है, इसीलिए उनको जयपुर जिला अस्पताल में भेजा जाता है, जहाँ पर रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। यानी कि ये भी घटना किसी मॉब लिंचिंग से कम नहीं है, ये भी घटना किसी साधु संत की निर्मम हत्या से कम नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र के पालघर में हुआ था, वैसे ही कुछ मिलता जुलता है। बस अंतर इतना है कि वहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा था, यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं खड़ा था। अब देखना ये है कि न्याय मिलता है या नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की गठबंधन की घटिया सरकार है, और आज राजस्थान में भी गहलोत कायम है, क्योंकि बहुत हुआ था लुकाछिपी का खेल, गिरने वाली थी गहलोत की कुर्सी, लेकिन दिन अच्छे थे जो बच गए। लेकिन इसका जवाब देना ही होगा अशोक गहलोत को, क्योंकि जिस तरह से साधु संतों की हत्या हुई है, इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को या तो उनको लटकाया जाए, या तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, या तो अशोक गहलोत को इस्तीफा देना होगा। क्योंकि जिस तरह से एक हत्या पर हाथरस में योगी सरकार पर निशाना साधा जा रहा था, योगी को घेरने का काम किया जाता रहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिराने का काम किया जाता था, यहाँ तक कि ये कहा जाता था उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं बल्कि रावण राज है, और रावण राज्य में कह सकते हैं सीता सुरक्षित है, लेकिन राम राज्य में सीता सुरक्षित नहीं है, ऐसा कुछ कहा जा रहा था। अब दो चार लाइन ज़रूर लिखिए, दो चार लाइन ज़रूर बताइए आप राजस्थान के बारे में, जहाँ के मुख्यमंत्री बड़ी लंबी चौड़ी की बातें करते हैं, तोतले मुख्यमंत्री, जी हाँ, उनकी आवाज़ ही मज़ेदार होती है, किसी राहुल गांधी से कम नहीं है। लेकिन अब बात है न्याय की, अब बात जो जताई जा रही है न्याय की सिर्फ, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट करके यही कहा है कि इस घटना को मैं कितना भी कहूँ, इस घटना पर कितना भी जोर दिया जाए कम है, अब सिर्फ एक ही बात है कि न्याय। जब गांव के लोगों ने मना किया कि वहां पर छप्पर नहीं रखा जाएगा, फिर भी नहीं माने, छप्पर रखे, और उसके बाद उस साधु को जान से मार दिया गया। अब पूछता हूं राहुल गांधी से, क्या राहुल गांधी वहां जाएंगे? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा वहां जाएंगी? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आने के लिए लड़ाई थी, धारा 144 को तोड़ा उन्होंने, लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा उन्होंने, लेकिन आज अब देखना है कि राजस्थान जाएंगे या नहीं जाएंगे। आंकड़े हमारे बता रहे हैं, 90% आंकड़े हैं कि राहुल गांधी नहीं जाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो उनकी सरकार पर आँच आएगी, लोग कांग्रेस के मुँह पर जूता फेंकेंगे, राहुल गांधी को पीटेंगे, इसी डर से राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर विपक्ष नहीं बल्कि उनके पक्ष की सरकार, और इस पक्ष की सरकार में आज जो खुलासे हुए हैं, आज ये जो कांड हुआ है मंदिर में, वो अच्छा नहीं हुआ है। इसका जवाब वहां के निवासी ज़रूर कांग्रेस पार्टी को देंगे, अगर सही से एक्शन नहीं लिया गया तो। तो इस घटना को मैं यही बताना चाहता हूँ, बड़ी शर्मनाक घटना है, मॉब लिंचिंग घटना है, जल्द से जल्द न्याय हो। बने रहिए ऑल इंडिया नेशन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।